नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द लेबल 10 में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की रिलीज के बारे में, जो कि इस प्रकार है। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में इनॉग्रेट की गई है। किसके द्वारा? वीपी सिंह बदनौर, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, जो कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया है। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस कहाँ पर? चंडीगढ़ में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वह क्या है कि बैटरी जो चार्ज होती है वह बहुत ज़्यादा स्लो होती है और उसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करते। लेकिन इसी का एक अल्टरनेट निकाला है इंडियन ऑयल कंपनी ने, जिसमें क्या होगा, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब बैटरी को स्वैप करना, स्वैप का मतलब चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी, और उसके लिए क्विक इंटरचेंज स्टेशन बनाए गए हैं। क्विक इंटरचेंज स्टेशन किस तरह से होंगे कि जहाँ पर पहले से ही प्री लोडेड, मतलब जो बिल्कुल फिल करके बैटरीज पहले से ही प्री लोडेड होंगी, जो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे जैसे ई रिक्शो, ई कार्ट, ई बाइक, ई ऑटो रिक्शा, वो वहाँ पर जाएंगे विद इन एक या दो मिनट के अंदर। वह स्वैप करेंगे अपने कार्ड को, जो भी उनको कार्ड होगा पेमेंट वगैरह के लिए, और वहाँ से उन्हें तुरंत एक या दो मिनट के अंदर दूसरी बैटरी मिल जाएगी चेंज होकर। तो इस तरह के ना कई स्टेशंस ओपन किए जाएंगे, जो कि स्टार्ट किए जा रहे हैं कुछ शहर में, जैसे कि न्यू दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अमृतसर में। अब यहाँ पर 20 जो है क्विक इंटरचेंज स्टेशन ओपन किए जाएंगे, और जितने भी क्विक इंटरचेंज स्टेशन हैं हर एक स्टेशन पर 14 जो है पहले से ही बैटरी जो होंगी वो चार्ज करके रख ली जाएंगी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वहाँ पर आएगा तो उसको तुरंत जो है एक्सचेंज करके नई बैटरी दे दी जाएगी, जिससे उसका टाइम भी बचेगा, क्योंकि चार्जिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम भी सेव होगा और जो ऑप्टिमम रिजल्ट भी आएगा, एफिशिएंसी भी होगी और हम पॉल्यूशन को भी कम कर सकेंगे। और यह एक बढ़ावा ही है, मतलब आगे फ्यूचर में पोल्यूशन को कम करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, और एनर्जी की जो डिमांड है वह भी ठीक होगी, और यहाँ पे पोल्यूशन को भी, और इंडिया जो है वह कई सारे ऑलरेडी पहले भी काम कर चुका है पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे कि हम BS6 पर आ गए हैं। बाइक्स वगैरह जो जितनी भी कार्स ली जा रही हैं वो किस मॉडल पे होंगी, BS6 को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यह एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोग ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है लेंगे ज़्यादा, और उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको अब चार्जिंग के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।